मैडम जू के साथ देखते हैं। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। जब अक्सर मैडम जू सैड हुआ करती है तो वो इसी तरह गार्डन में आती है। उन्हें परेशान देखकर दोहे उनसे पूछने लगती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब मैडम जू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। लेकिन हम उनके चेहरे से जान सकते हैं कि मैडम जू यहाँ पर जरूर कुछ छुपा रही थी। तभी यहाँ पर जिस युग भी आ जाता है और वो मैडम जू को कुछ पेपर्स दिखाता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अब जाना होगा क्योंकि मुझे काम है। दोही कहने लगती है मुझे भी काम है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी इन दोनों को रोकते हुए मैडम जू कहती है तुम दोनों जब देखो काम करते रहते हो, अगर ऐसा ही है तो तुम दोनों ही आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते, दोनों का मैच भी बहुत अच्छा है। ये सुनकर जूसुक तो खुश हो जाता है, लेकिन दोही कहने लगती है आप हर बार शादी की बात क्यों करने लगते हो। इसके बाद वो जूसुक को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। वो जूसुक से कहने लगती है कि तुम अपनी गाड़ी से आए हो, और जूसुक यहाँ पर झूठ बोलने लगता है क्योंकि वो दोही के साथ जाकर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन देखते हैं कि उन दोनों के साथ दोही की सिक्योरिटी भी थी, और तो और जूसुक को दोही के पास में बैठने का मौका भी नहीं मिलता। तब दोही अचानक ही गोबोन के बारे में बात करने लगती है कि गोबोन ने उसकी जान बचाई थी और उसने उसका मील खराब कर दिया था। तभी जिनसुक उसे पूछने लगता है कि ये गोबोन कौन है, और दोही बता देती है कि इसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनते ही जूसुक चौंक जाता है और वो अचानक ब्रेक लगाता है की वजह से हम देख सकते हैं कि दोजन को चोट लग जाती है, और वो अब जूसुक की जगह ड्राइव कर रही थी, लेकिन वो काफी गुस्से में थी। फिर जूसुक दोही से गोबोन के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और तुम क्यों उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, तुम्हें तो ये सब कुछ पसंद नहीं है ना। तब दोही उसे कहती है हाँ तुमने सही कहा, पर मैडम जू के कहने पर मैं ब्लाइंड डेट पर चली गई थी, लेकिन मेरा शादी का अभी तक कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर जूसुक खुश हो जाता है, और तब दोही देखती है कि उसका टाई ठीक से नहीं बंधा हुआ था, तो वो उसके टाई को ठीक करने लगती है। ये देखकर जूसुक और भी खुश हो जाता है। आगे हम दोही के ऑफिस के एम्प्लॉय को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि दोही यहाँ पर आ रही है, और ये जानकर सभी एक दूसरे को सतर्क कर देते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि ऑफिस में भी दोही का बहुत ही बोलबाला है और लगभग सभी स्टाफ उससे डरते भी हैं। जिसके बाद दोही अंदर आ जाती है और इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। ये मीटिंग उसी आर्टिकल के बारे में था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोही की सिक्योरिटी आकर उसे बताती है कि इस आर्टिकल के पीछे सुयन का हाथ है, और ये सुनकर दोही खड़ी हो जाती है और कहती है अब मैं इसे खुद ही सॉल्व करूंगी। फिर हम सुयन को देखते हैं जो एक महंगे ड्रेस को ट्राई कर रही थी, और आज वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके आर्टिकल की वजह से दोही को नुकसान पहुंचा था, और वो ऐसा ही चाहती थी। वो खुशी से ये कह रही थी कि दोही बेचारी अभी परेशान हो रही होगी, और उसकी परेशानी को और बढ़ाने के लिए मुझे उसके पास बुके लेकर जाना चाहिए। तभी पीछे से दोही की आवाज आती है, और वो सुयन के लिए बुके लेकर आई थी। वो उसे कहती है बुके तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। इसके बाद वो उसे धमकी देने लगती है और उसे कुछ फोटोग्राफ दिखाती है, जिसमें देखते हैं कि सुयन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। दोही उसे कहती है अगर तुम चाहती हो कि इसके बारे में किसी को ना पता चले तो वो आर्टिकल तुम ही हटाओगी, और जो तुमने ये मैसअप क्रिएट किया है उसको तुम ही सुधारोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन बाद तुम ये सारे फोटोज सोशल मीडिया में देखोगी। आगे हम मैडम जू को चर्च में देखते हैं। वो फादर से पूछ रही थी क्या उसके कर्मों की वजह से उसे हेल में जाना पड़ेगा, उसने जो किया है क्या उसके लिए गॉड उसे माफ करेंगे भी या नहीं। तो फादर उसे सलाह देते हैं कि उसे दोही से माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे उसके दिल का बोझ भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर मैडम जू पास्ट का एक सीन याद करती है, जहाँ पर उसके सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है और मैडम जू दूर जाकर गिरती है। फिर हम पाक्यू को देखते हैं जो गोबोन की चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। तब वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है। हम देखते हैं कि गोबोन ने जब उसके साथ डील की थी तब उसके पास बहुत सारा खाना आ गया था, और उसने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। तभी वहाँ पर गोबोन भी आता है और उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। पाक्यू को जब ये याद आता है कि उसने 10 साल पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और तब से उसे हेल के सपने आने लगे थे, इसकी वजह से वो चैन से कभी नहीं रह पाया। वो गोबोन से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाया, क्योंकि हेल से बुरा और कोई जगह नहीं है, और तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से परेशान रहा। जिसके बाद वो गोबोन को पीटने लगता है। अब प्रेजेंट में पाक्यू अपने आप से ही बातें कर रहा था कि गोबोन के पास अब अपनी पावर भी नहीं है तो मैं अपनी भी चला सकता हूँ। तभी यहाँ पर गायों को आ जाती है और उसने उसकी बातों को सुन लिया था। वो उसे चाकू दिखाकर पूछने लगती है कि अब सब कुछ मुझे सच सच बताओ। फिर पाक्यू को उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है। आगे देखते हैं कि दोही के पास गोबोन का कॉल आता है, और वो उसे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। और ये सुनकर दोही के मन में फिर से लट्टू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके लुक की वजह से गोबोन उसके पीछे पड़ गया है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो सामने से गोबोन को आते हुए देखती है, और उसे देखकर दोही उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा था। तभी गोबोन उसके पास आता है और दोही उसे पूछती है
तुमने तो कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, पर तुम तो चमक रहे हो। तब तो दोही उसको कुछ पैसे देने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारा मील खराब कर दिया था। मैं किसी का अपने ऊपर एहसान नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। लेकिन गुबुन ये लेने से मना कर देता है और कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो एक्सीडेंट हुआ है, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद दोही को अब उसके साथ देखते हैं। दरअसल गुबुन यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहता था और इसके लिए उसे अपने पावर की जरूरत थी। वही हम उस आदमी को देखते हैं, वो अपने साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था, जिसे वो फालतू समझकर फेंक देता है। तभी सामने से गुबुन कार पर आता है और वो दोही का हाथ पकड़ के अपने पावर से उसे शूट कर देता है, जिसे उस आदमी की सोल गुबुन के साथ चली जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट जलकर राख हो जाती है। आगे गुबुन दोही को नदी के किनारे पर ले आया था। जब गुबुन उसके करीब आता है तो दोही को लगता है कि वो किस करने वाला है। वो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन तभी गुबुन उसका हाथ पकड़कर नदी में कूद जाता है और फिर पानी के अंदर वो वेट करने लगता है कि उसका सैंपल ट्रांसफर होकर उस पर फिर से आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोही की सांस भी अटकने लगती है और वो गुबुन को किक करके ऊपर आ जाती है और उसके पीछे पीछे गुबुन भी बाहर आ जाता है। दोही रोते हुए उस पर चिल्लाने लगती है और गुबुन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोही बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है, हर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो गुबुन पर पैसे फेंक कर चली जाती है और गुबुन को भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका सैंपल उसके पास वापस नहीं आया था। फिर हम उसी किडनैपर को देखते हैं। इसके पास एक फोन होता है और उसके फोन के स्क्रीन पर दोही और उसके पेरेंट्स की फोटो लगी हुई होती है। ये फोन उसी आदमी के पास था जिसने दोही को कॉल किया था। ये आदमी मेरे ग्रुप का ही टीम मेंबर है। वह किलर उस फोन को एक लॉकर में रख देता है, जिसके बाद कोई दूसरा आदमी इस फोन को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसी तरफ हम गायोन को देखते हैं, जो दोही की प्रोफाइल देख रही थी और उसे दोही पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे हम दोही को देखते हैं, जो बहुत ही सैड थी, और जब वो रास्ते पर जा रही थी तो वो अपने सामने उसी न्यूज को देखती है। मेजे ग्रुप के एक टीम मेंबर ने सुसाइड कर लिया है और दोही को पता था कि ये वही आदमी है जिसने उसे कॉल किया था कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया है और ये जानकर दोही हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर तेजी से कोई बाइक पर आता है और वो दोही के ऊपर एसिड फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि ये एसिड दोही पर गिरता, यहाँ पर गुबुन आकर उसे बचा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।